वेलकम बैक ईयर जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कल जॉब अपडेट। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मॉरिशस के लिए जॉब है, इंटरव्यू होगा आपको 19 को फ्राइडे को, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर डक्टमैन। दुबई के लिए जॉब है, क्लाइंट इंटरव्यूज को होगा सैटरडे को फर्नीचर कारपेंटर्स के लिए, और ओमान के लिए जॉब है और 20 को वर्किंग इंटरव्यू है इसका, पाइप एम स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का, वेल्डर्स का, आर्कटिक मिग और एल्युमिनियम का। बैरेन के लिए जॉब है तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और जल्दी फ्लाइट भी हो जाएगा। कंज्यूमर फूड्स के लिए है, कूलर टेक्नीशियन, वैन ट्रक सेल्समैन, सेल्स सुपरवाइजर, 2 साल का मिनिमम आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गल्फ लाइसेंस आपको होना चाहिए। दुबई के लिए जॉब है, सेल्स इंजीनियर की जॉब है यहाँ पे, और एविएशन लाइट सेक्टर में होना चाहिए, यूएई ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। काइंडली जिस पोजीशन के लिए आप मेल कर रहे हैं अपने रिज्यूमे को, सीवी को, तो वो मेल में सब्जेक्ट ज़रूर ही लिखें उसको, तो उससे क्या होता है सॉर्ट करने में आसानी होती है। पायनी ट्रेवल से ये जॉब पब्लिश हुई है और ये अप्लाई कर सकते हैं, एजेंसी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दुबई के लिए जॉब है और ECNR ओनली साउथ इंडियन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट चाहिए 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए, और कंट्रोल पैनल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नी, इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल पैनल विग क्वालिफिकेशन, ITI डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल और विग राइट रिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, और सैलरी रेंज यहाँ पे 1300 से 1800 आपको मिलेगा। कंपनी आपको एकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। 1 मंथ आफ्टर कंपटीशन जो है लीव मिलेगा 12 महीने के बाद, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये विब्रांत प्रो HR से ये जॉब पब्लिश हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दुबई के लिए फ्री रिक्रूटमेंट है और 22 तारीख को इंटरव्यू होगा। मैकेनिकल फीटर, इंजन टर्बो चार्जर और टर्बाइन पंप, कंप्रेसर बल्ब, गियरबॉक्स इक्विपमेंट, मैकेनिकल फोरमैन और रोडर प्रोलर फोरमैन, रोडर फीटर और सिप फीटर, मरीन फीटर, प्रोपेलर फिलर। तो यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है 23 से 40 का है ECNR, और सैलरी यहाँ पे अच्छी है। एकोमोडेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, फूड एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, 8 घंटे की ड्यूटी होगी और OT मिलेगा, प्लस लॉन्ड्री, परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट बेनिफिट यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज है। ड्राईडॉक वर्ल्ड से ये जॉब पब्लिश हुई है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड से यहाँ पे लाइसेंस्ड है ये, और जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दुबई के लिए जॉब है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और सीवी सिलेक्शन है, सॉरी अपडेटेड सीवी यहाँ पे, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे भेज देना है आपको। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है यहाँ पे जरूरत, और सैलरी यहाँ पे 5000 से 8000 ED है, AED। मिनिमम 3 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्राइजिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, 5000 से 9000 AED यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, और 3 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ अच्छी है, फ्री एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपको मिलेगा। इमर्जिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज से ये पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिद्दा सऊदी अरबिया के लिए मेल नर्सेस की ज़रूरत है यहाँ पे, और BSc और GNM आपको होना चाहिए। 4000 यहाँ पे सैलरी है, सऊदी एक्सपीरियंस प्रेफर्ड होगा, और कांटेक्ट कर सकते हैं केयरवे से, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरा एड्रेस भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीवी सिलेक्शन है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, और हैदराबाद मेन पावर प्राइवेट लिमिटेड से जॉब पब्लिश हुए। प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल की जरूरत है यहाँ पे, और तो 20000 यहाँ पे कतर रियाल है, और आपको जो एक्सपीरियंस है 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट एंड रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर में। कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जरूरत है, 15000 यहाँ पे मिलेगा।
कुवैती सॉरी कतर दिन रियाल और 15 से 20 साल के को एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल की यहाँ पे जरूरत है, 10,000 कतर रियाल मिलेगा आपको, 10 से 15 साल का को एक्सपीरियंस होना चाहिए रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइजर में। तो क्यों एक कृषि इंजीनियर की जरूरत है, सिविल 10,000 सैलरी, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है 20,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको, 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्ट्रक्चरल स्टील या स्ट्रक्चरल बाइंडिंग सॉरी बिल्डिंग में। ओनली जो रिलेवेंट कैंडिडेट है वो एक्सपीरियंस है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एज यहाँ पे 45 साल का आपको लिमिट दिया हुआ है, अदर फैसिलिटीज इंक्लूडेड इन सैलरी में, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हैदराबाद मेन पावर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे है। ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, फोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जॉब के रिगार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कतर के लिए जॉब है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जो जय मेहता की तरफ से ये जॉब पब्लिश हुई है, 8 घंटे की ड्यूटी है यहाँ पे और 6 डे वॉकिंग आप होगा और ओवर टाइम भी मिलेगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे 3 मंथ प्लस है, माइनस पीछे हो सकता है। ट्यूब इंस्पेक्टर लीडर की जरूरत है यहाँ पे लेवल 3 और भी है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और आयरिस ECT सैलरी यहाँ पे जो है 7,000 से 8,000 यहाँ पे मिलेगा। एंटिटी लीडर सुपरवाइजर लेवल 3 और मैकेनिकल मेटल इंजीनियर तो API 5-10 ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 3 और 10 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 7,500 से 8,500 सैलरी यहाँ पे मिलेगी। ट्यूब इंस्पेक्टर की यहाँ पे जरूरत है लेवल 2, वो टोटल एक्सपीरियंस कम से कम 8 साल का होना चाहिए। एज मिनिमम प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। तो सैलरी यहाँ पे 4,000 से 5,500 है, ठीक है। तो जीएम मेहता कंपनी से ये जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, केसी के लिए जॉब है, क्लाइंट इंटरव्यू 18 को होगा, अल्यूमिनियम फैक्ट्री और फर्नीचर फिनिशिंग कारपेंटर ग्लास डोर इंस्टॉलर वॉलपेपर इंस्टॉलर और किचन कैबिनेट इंस्टॉलर और कर्टन इंस्टॉलर ये सब सारे लोगों के यहाँ पे जरूरत है। इनसे सैलरी भी दिया हुआ है। हैवी ड्राइवर और यहाँ पे सऊदी लाइसेंस वगैरह भी आपको होना चाहिए, 5 साल का इंडियन लाइसेंस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साउंडलाइन से ये जॉब पब्लिश हुई है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, रिज्यूमे भेज दीजिए अपडेटेड और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजिए उसके साथ में PDF, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जमील CPR कैसे के लिए जॉब है और सैलरी ओवरटाइम मिलेगा, फूड मिलेगा, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा यहाँ। कंपोजिटर लेमिनेशन टेक्नीशियन की जरूरत है, कंपोजिटर आउटफिटिंग फैब्रिकेटर की जरूरत है, कंपोजिट इलेक्ट्रिकल आउटफिटर्स की जरूरत है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग फोर्मेंस की यहाँ पे जरूरत है। बाकी बात थोड़ा मैं फास्ट जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो, और आप चेक कर सकते हैं। कंपोजिटर लेमिनेशन सुपरवाइजर की जरूरत है, कंपोजिट आउटफिटिंग सुपरवाइजर और कंपोजिट कारपेंटर आउटफिटर्स की यहाँ पे जरूरत है। सभी कैंडिडेट के पास कम से कम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए बिल्डिंग और ग्लास का गल्फ एक्सपीरियंस, और अपडेटेड आप PDF फॉर्मेट में यहाँ पे रिज्यूम में आप भेज सकते हैं और यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, एजेंसी अच्छी है सेंटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुवैत के लिए जॉब है, बाइक ड्राइवर की जरूरत है यहाँ पे और सिलेक्शन सर्टिफिकेट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 28 दिनों तक होगी है और इंडियन लाइसेंस आपको होना चाहिए और बीएड नहीं होना चाहिए। ओनली क्लीन सेव्ड पासपोर्ट मस्ट है, 3 इयर्स का वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट में और GPS का यूज आपको आना चाहिए। 17 तारीख को इसका इंटरव्यू है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, इंग्लिश मस्ट होना चाहिए आपको। ऑन स्पॉट सिलेक्शन होगा, रेडी वीजा है, इमीडिएट डिपॉजिट, इमर्जिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज से जॉब पब्लिश हुए, एजेंसी अच्छे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुवैत के लिए जॉब है, हेना और थ्रेडिंग स्पेशलिस्ट फीमेल की यहाँ पे जरूरत है और सैलरी यहाँ पर 180 KD इंक्लूडिंग फूड अलाउंस वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा। डिप्लोमा
या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपको कम से कम होना चाहिए 3 to 5 years का, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन सेम फील्ड में आपको होना चाहिए। चलिए, हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत है, असिस्टेंट फीमेल की यहाँ पे जरूरत है, 180 KD भी वहाँ पे मिलेगा और इंक्लूडिंग फूड अलाउंस यहाँ पे भी है। डिप्लोमा या इक्विवेलेंट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल होना चाहिए। तो एज जो है 37 साल से नीचे होना चाहिए, इंग्लिश लिखना और पढ़ना आना चाहिए। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा यहाँ पे। अगर कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वर्किंग 9 आवर्स का होगा, 1 आवर्स का आपको ब्रेक मिलेगा और ओवर टाइम भी मिलेगा, 6 दिन का काम होगा आपको। ECNR कैंडिडेट्स यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेंट मस्ट हैव कोविडशील्ड सेकेंड, मतलब दोनों डोज आपको लगा होना चाहिए कोविड का। यहाँ पे अपना जो है 7C BPO सर्विसेज से जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छे है, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कुवैत के लिए है, वन टाइम प्लेसमेंट से ये जॉब पब्लिश हुई है। और चलिए देख लेते हैं क्या जॉब्स है, टेक्निकल रिस्क असेसमेंट की यहाँ जरूरत है, और स्टैटिक इक्विपमेंट डिजाइन इनकी जरूरत है, क्वालिफिकेशन BA मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए और एक्सपेंडिटिंग इंजीनियर की जरूरत है, बैचलर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में होना चाहिए और इंजीनियरिंग मैकेनिकल मेंटेनेंस BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग से होना चाहिए। क्या यहाँ पे सुपरवाइजर टूल रूम है, और सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो वन बाय वन करके आप चेक कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एजेंसी अच्छी अप्लाई कर सकते हैं। लेबनान के लिए जॉब है ये, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एल्यूमिनियम टिन ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेटर की यहाँ पे जरूरत है, सैलरी निगोशिएबल है, और CV वगैरह भेज दीजिए, देखिए सिलेक्शन अगर होता है तो उस तरह से आप अपनी सैलरी के लिए कर लीजिएगा। बाकी बात रहना खाना यहाँ पे दिएगा और सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओमान के लिए जॉब है, वेयर हाउस हेल्पर की यहाँ पे जरूरत है, 100 लोगों की जरूरत है और सैलरी यहाँ पे 80 और प्लस ओवर टाइम शायद है ये, सॉरी फूड है 30 ओमान दिनार यहाँ पे मिलेगा, तो टोटल मिला के यहाँ पे कितना होगा 110। 11 घंटे की ड्यूटी होगा, एज लिमिट 22 से 38 साल है। ECNR पासपोर्ट वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फ्री एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, क्लाइंट इंटरव्यू 21 को होगा यहाँ पे, रेनबो टूर एंड ट्रेवल्स तिरुची से ये जॉब पब्लिश हुई है, ठीक ठाक है, अप्लाई कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं, प्रेस्टिजियस ऑयल एंड गैस कंपनी ये कतर के लिए जॉब है, और फॉकलिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पे जरूरत है, और वैलिड एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए यहाँ पे, लाइसेंस होना चाहिए, और जो लाइसेंस होल्डर है सिर्फ वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सैलरी मिलेगा 1700 कतर दिनार, और एकोमोडेशन है ओवर टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। एब्सोल्यूट ट्रांसिट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से जॉब पब्लिश, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। कतर के लिए जॉब है, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये, रिगिंग सुपरवाइजर, QC इंजीनियर सिविल, और सिविल फॉरमैन, सिविल सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर, HSE मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, रिगिंग सुपरिटेंडेंट, स्काफोल्डिंग और क्वांटिटी सुपरवाइजर, सिविल और HSE ऑडिटर की यहाँ पे जरूरत है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग 4-5 से 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, अप्लाई कर सकते हैं। सिंगलूस मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ये पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रोमानिया के लिए जॉब है यहाँ पे, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में चल रहा है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा, प्रिंटिंग वर्क है, $600 मिलेगा, प्रिंटिंग टेक्नीशियन है, और मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप जूम करके देख सकते हैं। और $750 है, अनस्किल्ड वर्कर की भी जरूरत है, $500 है, तो $500 ऑलमोस्ट 40,000 समथिंग है ना आज की रेट में बनता है ये। फ्री फूड एकोमोडेशन वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा। प्रोटेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से ये जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू है, हैदराबाद 28 को ये, सऊदी अरबिया के लिए है, क्रू
किचन वर्कर के लिए जरूरत है। 80 लोगों का 2 साल का कम से कम आपको रेस्टोरेंट एज ए सर्विस रूम में आपको जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर की जरूरत है, 30 लोगों की जरूरत है एक्सपीरियंस। टीम लीडर इन सऊदी अरबिया या गल्फ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक की जरूरत है, 30 लोगों की मिनिमम 2 साल उनका आपको अरेबिक फूड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एकोमोडेशन मेडिकल यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी कंपनी। 8 घंटे की ड्यूटी होगा, ओवर टाइम अवेलेबल है यहाँ पे। और एज लिमिट है जो वो 20 से 35 साल का है यहाँ पे। हुमेरा रिक्रूटमेंट मैनेजर से या जॉब पब्लिश हुए प्रोफेशनल ग्रुप ऊपरी रिक्रूटर्स ग्रुप से, तो यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, एजेंसी अच्छी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सऊदी अरबिया नजमा पार्टनर्स को लिमिटेड के लिए जॉब है। फाइनल इंटरव्यू जमशेदपुर में होगा, 23 अगस्त को है ये। और बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, 15 से 20 दिन में आपको यहाँ पे वीज़ा हो जाएगा। और हैवी डीजल मैकेनिक की ज़रूरत है, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक की ज़रूरत है, ऑटो या पेट्रोल मैकेनिक जनरेटर की ज़रूरत है यहाँ पे, और टावर क्रेन इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, ऑटो मैकेनिकल लीड मैन की ज़रूरत है, ऑटो इलेक्ट्रिकल लीड मैन की ज़रूरत है, डीजल मैकेनिक फॉरमैन की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पे क्वांटिटी और सैलरी वगैरह सारा दिया हुआ, आप चेक कीजिए। जनरल फॉरमैन ऑटो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे ज़रूरत है, और मीटर ऑटो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे ज़रूरत है, और मास्टर मैकेनिक टेक्नीशियन की यहाँ पे ज़रूरत है, ऑटो टेक्नीशियन सुपरवाइजर की ज़रूरत है, मेंटेनेंस कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, पीएमवी इंस्पेक्टर की यहाँ पे ज़रूरत है, पीएमवी इंस्पेक्टर सुपरवाइजर की ज़रूरत है, आउटर वर्कशॉप सुपरवाइजर की यहाँ पे ज़रूरत है, इंजीनियर और सीनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे ज़रूरत है। एज लिमिट है यहाँ पे 24 से 45 साल का है यहाँ पे। और इंजीनियर फॉरमैन सुपरवाइजर की जो है वो 30-40 ईयर्स का है। फ्री फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये जॉब गोल्डन मैन पावर इंटरनेशनल कंसल्टेंट से ये जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छी है, जमशेदपुर में है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्बिया के लिए जॉब है, 2 साल का वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे होगा, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस भी चल रहा है। वेल्डर की जरूरत है, 800 डॉलर यहाँ पे मिलेगा, और लोक स्मिथ 650 डॉलर का है, सीसीटीवी टेक्नीशियन है 500 से 650 डॉलर का है, और बेसिक इंग्लिश आना चाहिए आपको। असिस्टेंट सीसीटीवी वर्कर की ज़रूरत है, 450 डॉलर का है यहाँ पे। तो फ्री फूड एकोमोडेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रोटेक इंजीनियर इंडस्ट्री से ये जॉब पब्लिश हुई है, एजेंसी अच्छे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएई के लिए जॉब है, शटडाउन प्रोजेक्ट है ये, और ब्राइट इंटरनेशनल मैन पावर प्रोफेशनल से ये जॉब पब्लिश हुई है। क्लाइंट इंटरव्यू 27 अगस्त मुंबई में होगा, और पाइप फैब्रिकेटर के लिए जॉब है, 100 लोगों की भर्ती है यहाँ पे। कैंडिडेट को मिनिमम थ्री इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में है, और डॉक्यूमेंट सून आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, एजेंसी अच्छी है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूएई के लिए ही जॉब है, और ये 3 मंथ का शटडाउन प्रोजेक्ट है ये। डेटा एंट्री क्लर्क ऑफशोर 10 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे, और डिग्री विद कंप्यूटर एक्सेल नॉलेज आपको होना चाहिए, और 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री और टाइम मॉनिटरिंग एटसेट्रा। मतलब 21 से 35 साल का जो आपको जो है ना एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरी जो है यहाँ पे 5000 प्लस फूड एकोमोडेशन ओवर टाइम वगैरह सारे कुछ यहाँ पे मिलेगा, और इमीडिएट डिपार्चर्स है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, क्लाइंट की तरफ से होगा। जो कैंडिडेट यूएई में हैं अवेलेबल हैं वो 3 मंथ ड्यूरेशन के लिए, तो शटडाउन काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए। यहाँ पर रिज्यूमे आप भेज दीजिए, और रिसेंट फोटो वगैरह भेजिए, सर्टिफिकेट वगैरह जो है पीडीएफ वगैरह में भेज दीजिए आप। रिसोर्स हंटर्स से ये जॉब पब्लिश हुई है, और ठीक ठाक एजेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जाना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं गल्फ या ओवरसीज जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, थैंक यू।